नमस्कार, आप देख रहे हैं और भट न्यूज। खबर सेकुरा से है। सेकुरा जिले के घाट कुसुम्बा प्रखंड क्षेत्र के कई गांव के सैकड़ों की संख्या में घाट कुसुम्बा पहुंचकर वर्तमान विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने वर्तमान विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और बाहुल संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस दौरान ग्रामीणों का आरोप है कि यह मजदूरों के साथ गाली गलौज करते हैं। वहीं मजदूरों का क्या कुछ कहना है, देखें इस रिपोर्ट में। समस्या है कि किसी समस्या लेकर को लोग जाता है समस्या सुनाने के लिए, तो विधायक जी उसका माने कोई तरह का एक्शन नहीं लेते हैं और समस्या का निदान नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं कि बदलाव हो। क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि विधायक दूसरा बनाएंगे, रिंकू देवी को हम लोग चुने। बात नहीं बोलिए, हम क्या है कि अभी ब्लॉक प्रखंड के अंदर जो हम लोग जाते हैं तो किसी भी काम जो है बिना पैसा का नहीं होता, एक भी काम बिना पैसा का नहीं करता। किसान लोग जाते हैं, जिला में बहुत सारा समस्या है इस विधानसभा में, जो कि 10 साल रह गए हैं। सोनी मुखिया कुछ भी नहीं किए आज तक। सब लोग, जनता चाहता है कि चेहरा बदले, विकास होवे। हर कहीं कहीं रोड भी नहीं है, जैसे के ले लीजिए, जैसे सिजालपुर से लीजिए घाट कुसुम्भा, फिर घाट कुसुम्भा से कोयला होते हुए पानापुर तक, परानपुर तक। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग हम यही कर रहे हैं कि चेहरा बदलना चाहते हैं। कोई विकास नहीं हुआ है 10 साल से। किनके लिए? किनके? रिंकू देवी के लिए, पिंटू महतो। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णनंदन कुमार। आपको अधिकार है, हम लोग ग्रामीण जनता बोल रहे हैं आपके सामने। जबकि इस जब 10 साल विधायक रहा तो क्यों नहीं हमारे जल जमाव तोड़ा? हाँ, जल जमाव नहीं तोड़ा, क्यों नहीं तोड़ा? आपको ताकत था तो विधायक रहने पर जल जमाव क्यों नहीं तोड़ा? ये विधानसभा में बात नहीं रखा, ललन सिंह अपना कस्तरी में रखा, लेकिन आप ही कस्तरी में भी रहे। लेकिन जिस समय आई रोड अथी सिजालपुर नहीं है, वहाँ पानापुर नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो कौन काम किया? घाट के समय कोई का घर बना दिया कचरे। इसी से आपको लिए नाखुश है सब पूरा परिवार। हम लोग इसी बात पर समाप्त करते। क्या नाम हुआ आपका? सुनिंदर महतो। क्या दिक्कत है? देखिए, बदलाव तो विशेष के हम लोग यह इसलिए चाहते हैं और बहुत सा काम है, लेकिन ऐसा भी देखिए गरीब गुरबा के एरिया है और सब बाहर में काम करने वाला व्यक्ति है, घर में पेट किसी के भरने वाला यहाँ नहीं है। अगर बाहर जाता है कमाने के लिए, करुण टाइज वाला जिसने जो बाहर से सब लड़का आया था, उस वक्त जब इसको बोला तो गाली से बात करता था विधायक सोनी विधायक। और गाड़ी देने वाला विधायक हमरा नहीं चाहिए,
हमारा जो सम्मान देगा और मान देगा उसी को हम समर्थन करेंगे। और लेकिन गाली देने वाला विधायक हमारा नहीं चाहिए। हमारा पूरा जनता युवक से कहना है कि ऐसा विधायक हमारा नहीं चाहिए। और सबके वह वास्तव में लगता है कोई भी गरीब गुरबा जाता कहना कमाने खाने के लिए कहाँ भी नहीं जा सकता। जहाँ पेट चलता चलता है बोलता है कि पूरे तो रोजगारी आपको दिया, कहता बाप जलमाया है तो रोजगार नहीं दिया है। बोलिए करते हैं अभी सरकार से हम तो यही चाहते हैं कि हमारा विधायक हाथ में हाथ जोड़ के रखिए, साथ में साथ मिला करके रखें और जो हमारा गरीब के समस्या है हमारा विधायक सुने और सुनने वाला विधायक हमारा चाहिए और गाली देने वाला नहीं। किनको किनके प्रत्याशी बनाना चाह रहे हैं? प्रत्याशी हमारा रिंकू देवी हमारा आने का सबका हमारा विचार है। हमारा मत भी ऐसा है और जीता के भेजेंगे हम रिंकू देवी के, इसलिए बहुत जनता के लिए सब कुछ हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बलेश्वर महतो हुआ। हमारा का मेन खास कारण क्या है, हम लोग गए थे एक बार 10 परिवार ट्रांसफार्मर के मांग करने के लिए 4 नंबर 5 नंबर बाद, तो हम लोग 10-20 आदमी से गए थे विधायक जी सोनी जी के पास। वो बोले कि कहाँ घर है हम बताएं, पिताजी का नाम भी बताएं। उसके बाद वो बोले कि जाओ क्या नाम है साहब जी के बबलू साहब के बुला के लाबो तब तुमको देंगे ट्रांसफार्मर। बताइए हम बबलू साहब के वोट दिए हैं कि हम विधायक को वोट देते हैं? वो बोलते हैं कि नहीं बबलू साहब के बुला के लाओ उसके बाद हम देंगे ट्रांसफार्मर। सारा शिकायत मतलब हमारे विधायक जी के हैं कि मतलब अभी तक खेत वगैरह में जो पोल कर रहा है ये सब नहीं हो रहा है, कुछ सिंचाई का काम कुछ भी मतलब काम कुछ भी नहीं। विधायक तो क्या मांग कर रहे हैं इस बार? मांग कर रहे हैं हमारा रिंकू देवी को आना चाहिए विधानसभा में, हम यही मांग कर रहे हैं। और हम लोग बहुत सहमत, वो टिकट मिले या ना मिले लेकिन वोट हम उन्हीं को करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर्वा वर्मा।